हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डेटा मॉडल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये आपका पेपर में आता ही आता है। डेटा मॉडलिंग, मॉडलिंग क्या होती है, कैसे आप मॉडल क्रिएट करते हैं, मॉडल का मीनिंग क्या होता है। सिंपल, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आपने एक टेबल बनाई, उसके थ्रू आपने डेटा की मॉडलिंग कर दी, डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। आपने ईआर डायग्राम बनाया, ईआर डायग्राम बनाया, इसमें आपने एट्रीब्यूट एंड इनके बीच में रिलेशन आपने दिखाया, इसके थ्रू आप डेटा की मॉडलिंग कर सकते हैं। दूसरा, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या करें, कॉल करें अपनी क्लास को, क्लास को कॉल करें, ये भी आपका एक मॉडल होता है। इसके अलावा आपने नेटवर्क बनाया, डिफरेंट आपके डेटा थे एंड इनके बीच में एक नेटवर्क जाल आपने क्रिएट कर दिया, ये भी एक मॉडलिंग होती है। उसके अलावा आप क्रिएट करें ट्री स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आप डेटा को रिप्रेजेंट करें कि इसके बाद ये होगा, ये सब पार्ट में टूटेगा, ये आपका होता है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, डेटा मॉडलिंग होती है। तो आप कितने टाइप की आपकी मॉडलिंग होगी, कैसे ये परफॉर्म होगी, वो सब हम लोग देखते हैं अपने थ्योरी पोर्शन में। सो डेटा मॉडल, डेटा मॉडल इज द मॉडलिंग ऑफ द डेटा डिस्क्राइबिंग डेटा सिमेंटिक एंड डेटा कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट ऑफ द डेटा। डेटा को सिमेंटिक वे में डिस्क्राइब करने का तरीका आपका डेटा मॉडलिंग होता है। नेक्स्ट, डेटा मॉडल प्रोवाइड द कॉन्सेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग द डिजाइनिंग ऑफ डेटाबेस। ईच लेवल, हर एक लेवल पे आपके डेटा एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए आप डेटा मॉडलिंग का यूज करते हैं। एंड डेटा मॉडलिंग कैन बी आल्सो डिफाइन एज द कलेक्शन ऑफ हाई लेवल डेटा डिस्क्रिप्शन कंसिस्टेंट एंड हाइड मैनी लो लेवल, मतलब हाई लेवल के डेटा को ही डिफाइन करेगा, लो लेवल को आपका क्या कर देगा, ये हाइड अप कर देगा। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, आपके मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल एंड तीसरा आता है आपका फिजिकल डेटा मॉडल। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में, आप क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके थ्रू आप कॉल करते हैं। इसके अंदर आता है आपका ईआर मॉडल, ईआर का मीनिंग होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। दूसरा आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल जो है वो मेनली आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है, जैसे आपने सी प्लस प्लस जावा पढ़ा है तो उनमें आपके यूज, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके बाद आप कॉल करते हैं क्लास को, तो वो आपका ऑब्जेक्ट मॉडलिंग होती है। रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, इसमें आपके प्रॉपर रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं, जिसमें आपका रिलेशनल मॉडल हो गया, इसके अलावा नेटवर्क मॉडल होता है, हायरार्किकल मॉडल होता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे इनको प्रॉपर वे में कैसे ये वर्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसमें फिजिकल डेटा मॉडल, फिजिकली जो रिप्रेजेंट होता है आपको वो कहलाता है आपका फिजिकल डेटा मॉडल। सो इसमें यूनिफाई मॉडल होता है एंड फ्रेम मेमोरी मॉडल होता है, जो आपको रिप्रेजेंट होगा एक्चुअल में वो आपके ये फिजिकल डेटा मॉडल होता है। इसके बाद अब हम लोग मेन टाइप ऑफ डेटा मॉडल को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, इट इज यूज टू डिस्क्राइब द डेटा एट द लॉजिकल एंड व्यू लेवल पे। आपके डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए आप ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल का यूज करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चरिंग कैपेबिलिटी दैट अलाउ टू स्पेसिफाई डेटा कंस्टेंट। मीन्स एक फ्लेक्सिबल वे में डेटा को रिप्रेजेंट करना है आपको, तो वो आप ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल से क्रिएट कर सकते हैं। टू टाइप का होता है, पहला आता है आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में थ्योरी आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में आपका एक एंटिटी होती है, इसे बोलते हैं एंटिटी सेट, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे एंड दूसरी एंटिटी है स्टूडेंट, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, यानी स्टूडेंट जो है वो टीचर के थ्रू स्टडी कर रहा है कॉलेज में या आपका स्कूल में, एंड ये इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट है कि नेम उसका एक एट्रीब्यूट है, फोन नंबर एक एट्रीब्यूट है, आईडी एक एट्रीब्यूट है। ये देखिए मैंने इसके अंदर लाइन लगाई है, डॉट डॉट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये सब पार्ट में तोड़ा है, ये सारे आपके एट्रीब्यूट के टाइप होते हैं, आगे हम लोग इनको देखेंगे। ये कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, ये प्राइम एट्रीब्यूट होता है, ये आपका ड्राइव एट्रीब्यूट होता है। रिलेशनशिप दिखाना है आपको, डायमंड बॉक्स बनेगा। एंटिटी सेट बनाना है तो आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट होगा, तो इस साइज से आप एंटिटी रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। आगे हम लोग प्रॉपर वे में देखेंगे, क्योंकि ये भी आपका एक टॉपिक है पूरा डेटाबेस का। दूसरा आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में आपका एक ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल करेंगे, जैसे आप C++ जावा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्रिएट करते हैं, पाइथन जावा vb.net, इनमें आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके थ्रू आप क्लास को कॉल करते हैं, तो वो आपका होता है ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल। इसके बाद आता है आपका रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड का मीनिंग एक प्रॉपर रिकॉर्ड आप क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद थ्रू आप मॉडलिंग करते हैं डेटा की। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डेटा, ये भी लॉजिकल एंड व्यू लेवल पे ही आपका डेटा को डिस्क्राइब करता है।
दीज डेटा मॉडल यूज टू स्पेसिफाई दी ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड दी स्पेसिफाई दी हायर लेवल स्ट्रक्चर, मीन्स एक हायर लेवल स्ट्रक्चर आपका क्रिएट करता है। तीन टाइप का होता है। सबसे पहले आता है आपका रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका रो एंड कॉलम फॉर्मेट में, यानी एक टेबल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपकी रोज होती हैं और आपके ये क्या होते हैं कॉलम्स होते हैं। रो एंड कॉलम को आप रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें आपके जो कॉलम है कॉलम के नेम को आपके एट्रीब्यूट बोलते हैं एंड रो को आपका टपल्स बोला जाता है। ई टेबल हैज मल्टीपल कॉलम एंड कॉलम हैज अ यूनिक नेम। दिस ये इनिशियली आपके डिस्क्राइब करते हैं ई एफ कोड। इससे पहले हमने पढ़ा था ई एफ कोड के रूल को आपके फॉलो करके ये डिजाइन होता है। सो ये आपका क्रिएट होता है। इसके बाद आता है आपका नेटवर्क डेटा मॉडल। नेटवर्किंग एक टाइप से एक नेटवर्क टाइप का आपका क्रिएट हो जाता है, वही आपका नेटवर्क डेटा मॉडल होता है। या आप नेटवर्क टोपोलॉजी की यहाँ पर बात भी कर सकते हैं। जैसे आपका स्टोर है, इसमें कस्टमर है, मैनेजर है, सेल्समैन है, या आपस में क्या कर रहा है, कस्टमर भी आपका ऑर्डर दे रहा है, मैनेजर भी ऑर्डर दे सकता है, सेल्समैन भी ऑर्डर दे सकता है। तो एक ही एट्रीब्यूट से आपके मल्टीपल एलिमेंट जो है वो कनेक्टेड है, तो इसे आपका नेटवर्क डेटा मॉडल बोलते हैं। हायरार्किकल डेटा मॉडल में आपका एक ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ट्री स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, देखिए कॉलेज है, कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंदर सब पार्ट है, इस कोर्स है, टीचर है, स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट भी आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो सब, यानी एक रूट एलिमेंट होता है और उसके नीचे आपके सब सब चाइल्ड आपके क्रिएट होते हैं, तो वो आपका होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल। सो हायरार्किकल डेटा मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा इन द ट्री स्ट्रक्चर। दिस मॉडल ईच एंटिटी हैज अ ओनली वन पेरेंट, हर एक एंटिटी का एक ही पेरेंट होगा, एंड मैनी एब्स्ट्रैक्ट चाइल्ड, दिस इज ओनली वन एंटिटी इन दिस मॉडल वी कॉल्ड वन मेन एंटिटी होती है जिसे आपका क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं, और रूट से आपके कनेक्टेड होते हैं अदर एलिमेंट। ये तो हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है। लास्ट आता है आपका फिजिकल डेटा मॉडल। फिजिकली रिप्रेजेंट करना डेटा को एज अ लो लेवल पे, वो आपका कहलाता है फिजिकल डेटा मॉडल। दिस डेटा मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब डेटा एट दी लो लेवल। लो लेवल पे आपका डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो आता है आपका फिजिकल डेटा मॉडल। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप के डेटा मॉडल। सो डेटा मॉडल अगर आप बात करेंगे तो ये आपके डेटा मॉडल होते हैं। ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप बना दीजिएगा पेपर में, एंड ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू स्टूडेंट।